कुछ तो था उसकी नजर में जो कहीं और नहीं देखा, इन आंखों ने भी उसके सिवा कुछ और नहीं देखा। Hey guys, welcome to my new vlog. Guys, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंदौर का एक मतलब एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को घूमने जा रहे हैं। एयरपोर्ट में बैठने की तो मतलब प्लेन में बैठने की तभी औकात नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी उसको घूमने के लिए जा रहे हैं बाहर से। अभी देख तेरे को बिठा दूंगा जरूर मैं, एक दिन चलेंगे अपन एयरपोर्ट में मतलब प्लेन में बैठने के लिए, घूमने के लिए फिर बाहर चलेंगे कहीं। अभी तो हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, उसके बाद में कोई नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं और, क्योंकि अलग अलग ब्लॉग बनाना पड़ेगा, ब्लॉग बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, इसलिए ब्लॉग छोटे छोटे और पूरा शहर को अलग अलग जगह पे घुमा रहा हूँ मैं आपको। तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट की ओर। मौसम में तो मतलब वाट सी लगा दी हमारी पूरी, जहाँ देखो वहाँ बस बारिश शुरू हो जाती है, क्या करें। मतलब ऐसा हो रहा है कि एक स्थान एक जगह घूम रहे हैं फिर बारिश हो जा रही है, एक जगह घूम रहे हैं फिर बारिश हो जा रही है। इस बाहरी ट्रैफिक जाम में यहाँ फंस चुके हैं हम, और ऊपर से बारिश अलग होने लगी। ओ भैया क्या करेगा इंसान, भैया बहुत तेज क्या था, बहुत तेज़ बारिश भैया रुक जाओ। कब से नाला अभी रुके फिर बंद हो गया, एकदम से भी नहीं गिर रहा है, आया एकदम से और फिर एकदम से बंद भी हो गया। खतरनाक मजाक कोई फिरकी ले रहा है, सही बोला ना। पानी भी ना फिरकी ले रहा है हमसे, मजाक कर रहा है। मतलब दो दो मिनट में बारिश हो रही है, रुक रहा है और एकदम से तेज़ हो रही है और फिर बंद हो जा रहा है। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले, दो मिनट पहले भी नहीं, एक मिनट पहले भी नहीं बारिश हुई और अभी फिर बंद हो गया। चलो खैर बंद तो हुआ, अब चलते हैं आगे। कुछ तो था उसकी नज़र में जो कहीं और नहीं देखा, इन आंखों ने भी उसके सिवा कुछ और नहीं देखा। तो गाइस एयरपोर्ट पहुंच गए, बट बाहर ही बारिश के चलते अंदर किस तरह से जाएंगे देखते हैं। ये एयरपोर्ट है, ये बाहर का है, बाहर से दिख रहा है इस तरह से अभी। हो तो अंदर चलते हैं। देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा इंदौर। गाइस भैया बोल रहे हैं कि अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि हम इस हालत में हैं कि हमको अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा। देखो हम दिखाते हैं आपको कैसे हैं हम, ये देखो पूरे भीग चुके हैं ऊपर से लेकिन नीचे तक, मैं भैया हम सब भीग गए, और अब इधर से हम अंदर नहीं जाएंगे एयरपोर्ट के। कब जाएंगे, जब हम वहाँ जाने के लायक होंगे, बोले तो पैसा आ जाएगा ना हमारे पास, तब गरीब है ना अभी हम, उधर नहीं जा सकते। तो चलो चलते हैं, इस ब्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करते हैं, बारिश का पूरा परेशान हो गए गाइस। तो हम एयरपोर्ट वाले ब्लॉग को ज़्यादा अंदर तक नहीं ले जा सके, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हालत ख़राब थी। हमने आपको बाहर से दिखाया इंदौर का एयरपोर्ट, अब जाएंगे कब बताए ना आगे, तब जब हम लायक हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं यहाँ से, ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय, मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हनुमान जी, यहाँ के पितृ पर्वत के सबसे बड़े ऊंचे हनुमान जी, जो येलो कलर के जो पहाड़ी में बैठे हुए हैं, वो उसको दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी, यहाँ से निकलते हैं, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।